जब रावण सीता मैया को चुरा के ले गया तो बीच में जटायु जी ने उनसे युद्ध किया, और जब उनके पर लंकापति रावण ने काट दिए तो भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही याद किया है तो भगवान ढूंढते ढूंढते सीता मैया को जटायु जी के पास आ गए, और जटायु जी रोकर कहते हैं, अरे प्रभु मैं बताता हूँ सीता मैया कहाँ है, कौन ले गया उन्हें, मैं बताता हूँ। कि पंख कटे हैं, घाव हैं गहरे, घायल एक परिंदा हूँ। पंख कटे हैं, घाव हैं गहरे, घायल एक परिंदा कटे ही घाव है गहरे, घायल एक परिंदा हूँ। चरणों की दर्शन की खातिर, चरणों की दर्शन की खातिर, नाथ भी तक जिंदा हूँ। पंख कटे ही घाव है गहरे, घायल एक परिंदा। जटायु जी रोकर राम जी से कहते हैं, प्रभु सुनो, हरण की आलंकापति ने है जनक दुलारी सीता का, कटे ही घाव है गहरे, घायल एक परिंदा हूँ। पंख कटे ही घाव है गहरे, घायल एक परिंदा और जटायु जी कहते हैं, प्रभु शांत स्वरूपा जग जननी को वचन दिया वसीगम है, शांत स्वरूपा जग जननी को वचन दिया वसीगम, कटे ही घाव है गहरे, घायल एक परिंदा हूँ। और जब
जटायु की इतनी बातें सुनी है राम जी ने, तो क्या किया है? पर हित की ओर देख भावना, गोदी राम है बहलाया। पर हित की ओर देख भावना, गोदी राम है बहलाया। हरि का रूप देखा रघुवर ने, गीत कटे ही भाव है गहरे, घायल एक परिंदा हूँ। पंख कटे ही भाव है गहरे, घायल एक परिंदा हूँ। पंख कटे ही भाव है गहरे, घायल एक परिंदा।